Hey guys, welcome back to our YouTube channel. Welcome to another vlog. और सबसे पहले तो first of all good morning everyone. क्योंकि अभी morning का time हो रहा है तो मैं आपको सबको good morning wish करूँगी. So चलिए आज बताते हैं आज के vlog में क्या होने वाला है. Actually आपने एक poster competition वाला मेरा vlog देखा होगा, तो वो मैंने जैसे कैसे करके एक shoot कर लिया था poster competition जब first हुआ था. फिर उसके बाद मैं उसमें सेकंड आई, तो फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ. उस दिन भी मैंने वीडियो शूट किया, पर क्या हुआ ना कि वहाँ जाके इतना सा बिजी हो गए हम पोस्टर बनाने में कि फिर उसको फिर अपलोड नहीं कर पाए, वीडियो को बन भी नहीं पाया था ज़्यादा अच्छे से. उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मैं सेकंड आई. फिर उसके बाद अभी आज मैं जाने वाली हूँ झांसी, क्योंकि अब ये जो होने वाला है, अभी पहले हुआ था कॉलेज लेवल पे, फिर हुआ मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तर पे, अब होने वाला है मंडल स्तर पे. तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं आज झांसी. तो कल RTO वालों का कॉल आया था एंड उन्होंने बोला कि कल आपको 8 बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग RTO ऑफिस आना है. तो हम लोग जाने वाले हैं आज झांसी और लेट्स सी कि आज का ब्लॉग कैसा. पहले तो ब्लॉग बन जाए वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग तो कर लेती हूँ पर वहाँ पे जाके इतना बिजी हो जाते हैं कि फिर ब्लॉग बन ही नहीं पाता है. पर मेरी आज पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ब्लॉग शूट करूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ कि आज का मेरा कॉम्पिटिशन कैसा रहता है. सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में और देखते हैं कि, और मेरे साथ मेरे सीनियर्स भी जाने वाले हैं आज. सो चलिए फिर दिखाते हैं आपको, सबसे मिलवाते हैं आज. सो लेट्स गो. सो गाइस हम लोग आ रहे हैं RTO ऑफिस और ये हमारे सीनियर और अमित सर. हाँ अमित सर. और ये हमारी सोनिका दीदी, ये भी हमारी सीनियर है. और सबसे मिल लीजिए और बाकी के जूनियर्स भी, उनसे भी मिलवाते हैं आपको. काफ़ी इंतज़ार करवाया RTO वालों ने हमको, कम से कम एक घंटा तो खड़े रहे होंगे. 45 मिनट्स हम लोगों को वेट करवाया. अभी फाइनली जा रहे हैं हम लोग. वो देखो हम लोगों का, चलो अब चलते हैं, दिखाते हैं आगे. रही तान्या मेरी जूनियर. और हाँ सच में आओगे? कौन वो, एक आर्टिस्ट को तैयार होने की जरूरत नहीं होती है. हम लोग मंजिल की ओर बढ़ते हुए. ईयरफोन नहीं लाए, चलो ठीक है, मजा आने वाली है. पूरी जर्नी आपको दिखाने वाले हैं, फिर वहाँ का भी शूट करके दिखाने वाले हैं. क्या हो रहा है, गलत बात. सोनिका दीदी कैसा कैसा प्रेशर है आपके ऊपर आज क्विज का? थोड़ा प्रेशर है, कोई नहीं देख लेंगे. आज हमने तय किया, आज हम पूरे रास्ते में आपको ही शूट करने वाले हैं. नहीं नहीं यार, ऐसा मत करो, सबको मुझे मेरा अमरूद दे दो, उसके बाद कुछ भी. हाँ ठीक है, आपको क्या चाहिए? अमरूद. सर को डर लगता है, कैमरा शाय पर्सन है बहुत. नहीं शाय से मतलब नहीं है, छोटा मिल गया. अच्छा पहले हमें क्यों नहीं मिला, ये कितना क्यूट होगा. ये भी क्यूट होता है. हाँ वो बहुत क्यूट लग रहा. क्या हुआ सुनकर? स्कूल वाहन है तो टैक्स लगेगा. पोस्टर दिखाएं? जा रहे वहाँ जा रहे हैं, पूछ ले जरा. अरे भैया वहीं जा रहे हैं, पोस्टर दिखा दें. कॉम्पिटिशन है क्या? तो देखो बात, कॉल कटवाना पड़ेगा, 250 से टोल मांग रहा है. क्या बोल रहे? अच्छा अब हम लोग झांसी आने वाले हैं और ये कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जो काफी एक्साइटेड हैं, केवल एक लोग को छोड़कर, वो मैं हूँ. आपका क्या नाम है? प्रज्ञा चतुर्वेदी. प्रज्ञा चतुर्वेदी स्लोगन लिखने जा रहे हैं और आप? तान्या निगम. तान्या निगम स्केच बनाने जा रही है, राइट? और आप, इनको तो आप जानते ही होंगे, इनका नाम है अनुप्रिया उर्फ अनु, राइट? और ये भी स्केच कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और सबसे ज्यादा यहाँ पढ़ाकू अगर कोई है तो वो है मिस सोनिका. तो क्या कहेंगे आप इनको? क्विज में इनका फर्स्ट आया है और ये चाहती हैं कि अब ये मंडल स्तर पर भी फर्स्ट आए. और हमारे सबसे प्रिय इस ग्रुप के नो थैंक्स वाले भैया. यहाँ रेस लगी हुई है, कंपटीशन काफी तगड़ा है. अरे कंपटीशन कहाँ का, अलग अलग.
तुम लोग आ गए अपने मंजिल पे। सही है। अच्छा लग रहा है यार। हाँ मल्टीपर्पज हॉल। चलिए चलते हैं। दिस इज माय पोस्टर फाइनली इट्स डन। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा बना है। पता नहीं, हमें लगता अकाउंट में दे रहे हैं। अरे वाह। उसके बाद मेरे पास कुछ 20 रुपए बचेंगे तो हम लोग मोमोज खाएंगे। सर की बोतल मिल गई है। कमेंट सेक्शन में कांग्रेचुलेशंस बोल देना। अमित सर आपकी बोतल मिल गई है। हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपको कमेंट सेक्शन में सब लोग बोल देना कांग्रेचुलेशंस। अमित सर को बोतल मिल गई है। वो सिर्फ बॉटल लेने के लिए झांसी तक गए थे और वहां से 5,000 जीत के आए हैं। यस, और बोतल भी मिल गई। सो आप सभी के लिए एक छोटी सी ट्रीट, आप सबके लिए मैं खर्च करने चाहूंगा 10 रुपए के मोमोज सभी को। एंथुसियास्म में देख रहे हैं 10 रुपए के मोमोज खाने वाले हैं। यस, कितने के खाओगे? मोनिका दीदी, हमारी मंजिल समाप्ति की ओर है। कुछ कहना चाहेंगी आप? मजा आया। सफर बहुत खूबसूरत था। कुछ यादें बनी है, कुछ साथी भी अच्छे मिले हैं। अपने कॉलेज को एक नई पहचान देकर आए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मिस अनुप्रिया का, जिन्होंने कॉलेज स्तर पर प्रथम पुरस्कार जीता है। आगे भी खेलने वाली है। सो आगामी जो धन्यवाद भी नहीं, आगामी शुभकामनाएं आपके साथ। और ये ब्लॉग आगे भी कंटिन्यू होगा। अभी ये तो शायद 2 पार्ट में जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट में डाल दूंगी, सेकंड पार्ट में डालूंगी जब अभी हमको वहाँ लखनऊ जाना है तो उसका भी ब्लॉग शूट करेंगे। और दिखाते हैं आप लोगों को कैसा क्या रहता है। प्रिया जी से एक सवाल है जी, ब्लॉग में हिंदी में क्या? नहीं नहीं नहीं, बंद नहीं होगा। रियलिटी इज रियलिटी। ब्लॉग को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं पता सर, मुझे भी नहीं पता। ये तो वही बात होगी।
कुछ नहीं। कोई बात नहीं, गूगल कर लेंगे। यस सर, है ना, गूगल बाबा का सहारा लेंगे, वचन मिलेंगे। हाँ। साथ ही ये जानते हैं कि आखिर ब्लॉग में हिंदी में क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी न्यूज आज तक। तो गाइस अभी हम लोग रुके हैं NH27 हाईवे पर और व्लॉगिंग हो रही है हाईवे पर। हम लोग रुके हैं एक्चुअली एक टी ब्रेक के लिए, चाय का ब्रेक है। चाय बन रही है हम लोगों की, चाय वहाँ पे बन रही है। क्या 2 मिनट्स ये टायर ब्रेक मतलब आईपीएल में आता है। अच्छा हाँ, वही जो भी ब्रेक है और चाय का इंतज़ार, एक्चुअली बहुत देर से बैठे बैठे थक गए हम लोग। सोचा कि चलो चाय पी ली जाए। मोनिका दीदी, इतना अच्छा टाइम हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, कुछ बताओ अपने बारे में। कुछ अपने बारे में क्या, इस अच्छा लग रहा है सब कुछ माहौल के बारे में। इंडिया ये देखिए चारों तरफ, आपको पीछे ग्रीन ग्रीन दिखाई देगा, थोड़ी सी गंदगी भी दिखेगी। हाँ, वो तो हमारे यहाँ ना दिखे तो बात ही अलग है। ऐसा बोला करो, मैं हम लोग इस समय न्यूजीलैंड में हैं और यहाँ पर भी लगा है। आपने हमारा वाला ब्लॉग नहीं देखा क्या? अच्छा, वो देखा है। हाँ, वो लग रहा है कि जो उत्तराखंड बता रहे, बर्फबारी तो कहीं दिख नहीं रही। उत्तराखंड के जंगलों में थे हम। ये तो अच्छी बात है कि हम भी ठीक ठाक लग रहे हैं। सब कैमरे का कमाल है सर, करने का तरीका देखा। हाँ, तो हम समझ सकते हैं एक्सपीरियंस कैमरे का कमाल।